ये है 10,000 रुपए और आज मैं इन्हें खर्च करने वाला हूँ मॉल की कुछ ऐसी गेम्स पर जिन्हें खेलकर लाखों में इनाम जीते जा सकते हैं। ये एक्चुअल फोन्स हैं जो हम जीत सकते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें जीतना कितना आसान है। तो जैसा आप समझ गए होंगे कि आज मैं अपने बचपन की सारी अधूरी तमन्नाओं को पूरा करने वाला हूँ यहाँ इन गेम्स पर पूरे 10,000 रुपए उड़ाकर। पर चलो आओ समझते हैं कि आज इन 10,000 रुपए को 20,000 बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, हम यहाँ की छोटी छोटी गेम्स जैसे ये बास्केटबॉल, ये बोलिंग और ये लकी स्पिन खेलकर टिकट जीत सकते हैं और बाद में उन टिकट्स को रिडीम करा सकते हैं कुछ सामान के बदले। जैसे ये 1,000 टिकट जीतने पर हमें मिलेंगे टॉयज, 15,000 टिकट जीतने पर हमें मिलेगा हेडफोन और 1,50,000 टिकट जीतने पर तो ये पूरा का पूरा फ्रिज हम अपने घर ले जा सकते हैं। टिकट पर प्लाज्मा टीवी भी है भाई, जो भाई डेफिनेटली हमारे इस 10,000 से तो कई ज्यादा वैल्यू रखता है। रास्ता नंबर 2, हम इस मॉल की क्लॉ मशीन्स, ये हिट द कैंस, रिंग ऑन बॉटल जैसी गेम से डायरेक्टली हजारों के सॉफ्ट टॉयज और खिलौने जीत सकते हैं। कितने तक के सॉफ्ट टॉयज होंगे लाइक प्राइस में? 900 का बिकता है, फिर तो ठीक है। तीसरा और आखिरी रास्ता इन मॉल की गेम्स में पैसा बनाने का था मॉल की ये सबसे वैल्यूएबल और सबसे महंगे इनाम रखने वाली गेम की मास्टर को केवल एक बार जीतने का। क्योंकि एक बारी में ही हम यहाँ से महंगे महंगे स्मार्टफोन्स या एप्पल एयरपॉड जीत सकते थे और आज 10,000 के कार्ड से हजारों बार इसे खेलकर एक चांस तो पक्का है कि हम इसे जीत जाएंगे। देखो आज के इस खेल की शुरुआत मैं करने वाला हूँ क्लॉ मशीन से। अब इस मशीन की साइंस क्या होती है मैं समझाता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हमें एक पंजा मिलता है और उससे हमें ग्रैब करना होता है अपनी पसंद का आइटम। चल ठीक है, एक साथ वापस कर। वो मेरे पे 2 घंटे भाई। भैया ये कम से कम कितने का होगा? 500-600? 50-60 का तो होगा। चल 50 रुपए का तो जीते। गाइस अभी तो बोनी हुई है, अभी आप देखना इस वीडियो में हम लोग 10,000 या 20,000 का सामान जीत के जाएंगे और प्रूव करेंगे लोगों को कि मॉल की गेम सच होती हैं, कोई स्कैम नहीं होता। चलो भाई एक और गेम पे किस्मत आजमाते हैं, सेम चीज है, बॉल जीतनी है क्लॉ मशीन की मदद से। यार कुछ भी बोलो, मॉल की ये गेम इतनी भी आसान नहीं थी जितना मैं इसे समझ रहा था, क्योंकि मेरी पहली जीत को आप बिगनर्स लक कह लो और उस लक के बाद तो आप मानो अनगिनत कोशिशें और पैसे बर्बाद करने के बावजूद हमारे इस फटीचर गेंद को जीतने की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। और इससे मुझे याद आई जापान की वो स्टोरी। आप जानते हो जापान में किराने की दुकान से लेकर नाई की दुकान पर इस तरह की गेम्स होती है क्योंकि वो दुकानदारों के लिए फ्री में पैसा लाती है, क्योंकि इनके इस घटिया और चिकने पंजों में खिलौना क्या फेविक्विक लगी हुई चीज भी ना फंसे। ये देख रहे हो तुम लोग कैसे कुछ पैसे कमाने के लिए इनको कितनी करनी पड़ रही है। लेकिन आपको अगर एक सच बात बताऊं ना तो मेरे पास आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का भी एक कमाल का और बड़ा ही आसान तरीका है। गाइस आपको बताएं आज की डेट में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पॉकेट ब्रोकर से बेटर कोई और प्लेटफॉर्म मार्केट में है ही नहीं। पॉकेट ब्रोकर एक कमाल का प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि इसे सीखना बेहद ही आसान है और इस पर आप 130 से भी ज्यादा एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो। चलो इसको यूज करने की आसान प्रोसेस आपको फटाफट समझाता हूं। अभी जाकर रजिस्टर करें इनके प्लेटफॉर्म पे, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आप अपना फेवरेबल अमाउंट इस पे डिपॉजिट कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड यूज करके आपको 60% बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पर। ये देखिए मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट जिसमें आपको फर्स्ट लॉगिन पे डेमो अकाउंट पे $50,000 मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इस अमाउंट से आप न्यू ट्रेडिंग सीख और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग के बिगिनर स्टेज में हो तो यहाँ आपके लिए एजुकेशनल मटेरियल और 24/7 हेल्प सेंटर्स अवेलेबल है फॉर एनी ट्रेडिंग रिलेटेड इंक्वायरी। और इतना ही नहीं, एक ट्रेड मैं आपको खुद ही करके दिखाता हूँ। ओके ये देखा मेरा सक्सेसफुल ट्रेड। अब अगर आप भी एक्स्ट्रा इनकम को कमाने की इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करना चाहते हो तो क्लिक करो, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड फॉर 60% बोनस। तो अभी जाओ और पॉकेट ब्रोकर के साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। जितने मैं कैलकुलेट करता हूँ हमने कितनी इनकम कमा ली। देखो अभी तक कमाई हुई थी बहुत कम और खर्चा बहुत ज्यादा, और अब मुझे समझ आ गया था कि ये क्लॉ मशीन तो बस चूना लगाने की मशीन है, इसलिए हमने पैसे कमाने का ये भार अपनी किस्मत से हटाकर अब अपने कंधों पर डाला।
अब हम आए हैं इस मॉल की अगली गेम पे, जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। सामने बड़े कैंस हैं और उन कैंस को हमें इन तीन बॉलों की मदद से गिराना है, और गिराने पर आप खुद देखो कितना बड़ा सॉफ्ट टॉय मिलेगा। कितने तक के सॉफ्ट टॉयज होंगे लाइक प्राइस में? 900 का बिकता है ये, फिर तो ठीक है। लाइक अगर मैं जीत गया आप मुझसे खरीद लोगे 900 में? दो अटेम्प्ट में तीन कैसे गिराऊंगा? And just like that, attempt after attempt after attempt, हमने हर गेम में मुंह की खाई। चार में से दो बॉल्स हमें उन बाल्टी के अंदर रोकनी है, और खुद को इन टोटल 3000 की चपेट लगवाई। So, ये जो बेसिकली गेम है इसके अंदर अबे मारो, यही वो गेम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हम 500 टिकट्स कमा सकते हैं। इसमें इनको मिल रही है बॉल्स, जिसमें इनको मारकर उन क्लाउंस को गिराना है, और अगर इन्होंने 500 पॉइंट्स से ऊपर स्कोर कर लिया, मतलब इन्होंने ज्यादा निशाने लगा लिए, तो हमें 500 टिकट्स मिल जाएंगी। और ऐसी गेम हमने 30 जीत ली, ऐसी गेम्स हमने 30 जीत ली विद 500 पॉइंट, तो हमें फ्रिज मिल जाएगा राहुल भाई। अब उस दिन इकलौती मेरी मैथ्स नहीं थी जो ऑफ थी, बल्कि ऑफ थे हर गेम में मेरे निशाने, और फिर जरिया नहीं बचा कोई और सिवाय देने के बहाने। मेरे को लग रहा है ये मॉल ना हमारे लिए लकी नहीं है। आगे क्या, गेम्स पे गेम्स चलती रही, किस्मत के पहिए और बक्से खुलते रहे, पर हमारी टिकट्स का काउंट 500 रुपए से ऊपर भी नहीं बढ़ पाया। और कसम से अब तो यही फीलिंग आने लग गई थी कि भाई वैसे एक बारी कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि ये चीजें स्कैम है या ये फेयरली कुछ प्राइस होता है, और आप जीते हो कभी कमेंट्स में बताना। लेकिन अभी भी मॉल की इन गेम्स का ब्रह्मास्त्र माने ये की मास्टर गेम का आना बाकी था, जिसमें सिर्फ एक बार विक्ट्री पाके हम अपने खर्च किए 10,000 रुपए को एक सैमसंग S22 फोन या एक ओप्पो के स्मार्टफोन या एप्पल के एयरपॉड में बदल सकते थे, और अपना पूरा पैसा एक बारी में वसूल कर सकते थे। अब सवाल बस एक ही था कि इस गेम को जीतना कितना आसान है। ये पर ट्राई कितना लग रहा है? पर ट्राई 100 रुपए। अरे नहीं यार, एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, अब हो जाएगा। अब हर हार के साथ इस गेम की ऑथेंटिसिटी पर मेरे सवाल तो बढ़ते ही जा रहे थे। यार ये जाती है, ये जाती है, जीतता है कोई? क्या काफी लोग जीतते हैं? क्या पता ये बड़ा तो नहीं है चाबी का साइज इससे? पहले 1000, फिर 2000, और देखते ही देखते कब हमने इस गेम पर पूरे 5000 रुपए फूंक दिए ये हमें भी पता नहीं चला। और इतने अटेम्प्ट्स, इतनी कोशिशों के बावजूद हाथ क्या लगा बाबा जी का? 37 में 55 है, 3700 में 55 ट्राइज है, 55 गेमें मिलेंगी, 55 अटेम्प्ट में एक भी निकल गया ना, सोचो तो सही, 55 में से अगर एक बारी भी हमारा S24 निकल गया, क्या कहते हो करें? 3700 का लेते हैं पकड़। नहीं अक्षी, मेरे को फीलिंग है। दो सब अगेंस्ट थे मेरे इस गेम पर एक रुपए भी और खर्चने से, पर मेरे अंदर का जुआरी कह रहा था कि अगली बार मैं इस पे जरूर फोन जीत जाऊंगा। पर सबकी राय पे मैंने अगले डिपॉजिट से पहले उनके स्टाफ से ये एक फाइनल सवाल पूछा। आपको लगता है मैं 55 ट्राइज में कुछ निकाल सकता हूँ फोन? नहीं, क्यों क्यों निकलता नहीं है? रिग्ड है क्या ये? रिग्ड होता है ऑनेस्टली? तो मतलब ये गेम ही ऐसे डिजाइंड है कि आपका जाता ही नहीं है? एक ट्राई होता है, सेट होता है 750 पे या 450 पे, ऐसा फाइल पे आप फिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? तो आपको लग रहा है वेस्ट होंगे मेरे पैसे? पर कोई जीता है? हाँ। जीता भी है पर रिग्ड होता है। देख भाई, उन्होंने ऑनेस्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि दिस गेम इज रिग्ड, फुली रिग्ड होता है, आप नहीं जीत सकते, पर उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ कोई जीता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
तो इनके स्टाफ से मिली इस इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने तो मॉल की इन गेम्स से आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हाथ जोड़ लिए। भाई छोटे मोटे गुड्डे तो जीत ले, कुछ तो रिकवर हो। सही था जो बचपन में मेरी मम्मी मुझे मार मार के इन्हें नहीं खेलने देती थी। अब इन सब के बाद अपने अभी तक के और थोड़े और जीते हुए गिफ्ट्स के साथ मैं कैलकुलेट करने चला आया अपने 10,000 के स्पेंट पर की गई टोटल कमाई को। 199 200 रुपए 120 ये सारे 120 के लिए 120 240 1080 1200 2200 रुपए और दो वो नहीं 600 रुपए का है। अब बस एक ही काम बचा था। अच्छा मेरा भी बच्ची है। दो बच्चे, दो छोटे बच्चे। यार यहाँ तो ऐसा लग रहा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है और